हाय, वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6। लेट्स स्टार्ट अबाउट सम इम्पोर्टेंट हिंदी फ्रेज एंड देयर इंग्लिश एक्सप्रेशंस। देखो, यहाँ पर बात क्या होती है, मुहावरा। हिंदी में जो मुहावरा होता है ना, आज उस मुहावरा पे हम एक सेंटेंस बना बना के सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है आज का, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है यार। ये ऐसे टॉपिक तो बच्चों को पसंद है, लेकिन नहीं भी, क्योंकि मुहावरे बोलना चाहिए। जैसे मैं जिस खाई में खाए उसी में छेद किए, अब उसका इंग्लिश क्या होगा किसी को पता है? नहीं पता है ना। अब पता होगा। क्यों अब पता होगा? क्योंकि इंद्रजीत स्टडी पॉइंट हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चल रहा है, इसलिए अब मुहावरे का भी इंग्लिश पता होगा। दैट्स राइट, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट आप सबके लिए हेल्पफुल हो, मददगार हो, हर तरह से आपके हेल्प में आए, हर तरह से आप इसको सीखो, हर तरफ से इससे आप नॉलेज लो, बस यही तमन्ना है हमारी। तो चलो मैं बता दूं, कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये 16 नंबर चैप्टर है। पहले हमने टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब पढ़ चुके हैं, मिसलेनियस स्ट्रक्चर हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन नरेशंस आइडियल सेंटेंस प्रैक्टिस डायलॉग्स फॉर स्पोकन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब आइटम्स फ्रेज एंटोनिम्स सिनोनिम्स होमोफोन्स एंड पेयर ऑफ वर्ड एंड सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड। इतने सारे चैप्टर हमने पढ़ चुका है, पहले 15-16 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब ये 16 नंबर हमारा चैप्टर है जो वेरी इंटरेस्टेड है, जो मुहावरे पर ही बेस्ड है। मैं एक एक करके बताता हूँ इसको, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। चलो बिना समय गवाए अपना टॉपिक, अपना चैप्टर आज शुरू करते हैं, ठीक है? चैप्टर 16, सम इंपॉर्टेंट हिंदी फ्रेज एंड देयर इंग्लिश एक्सप्रेशंस। दिस इज द टॉपिक, दिस इज द चैप्टर नेम, दैट्स फाइनल। आंखें चार होना ये नहीं कि आंखें किसी की चार हो जाए। आंखें चार होना का मतलब होता है किसी से निगाहें टकराना, किसी से आंख मिलाना, किसी से प्यार की बात करना, आंखों से आंखें लड़ी, दुर्घटना हो गई। ऐसे सारे बहुत सारे हिंदी वाक्य हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित हैं। दैट्स अब उसका इंग्लिश फॉर्म जानेंगे। To be face to face, to fall in love. To be face to face, fall in love. मतलब दो आंखें मिली, मुलाकात हुई, मोहब्बत हुई, एहसास हुआ, एतराज हुआ, फिर बात हुआ, फिर शादी हुए। अब इस मुहावरे का अर्थ और इसके इंग्लिश सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। अब किसी को बोलना है आंखें चार होना, अब उसको इंग्लिश में बोलना है बी टू फेस टू फॉल इन लव। क्या? बी टू फेस टू फॉल इन लव, दैट्स फाइनल। एंड इसको दूसरा इंग्लिश भी है इसका, एज सुन एज ही वॉज फेस। देखो, एज सुन एज ही वॉज फेस टू फेस विथ मी ही रन अवे। मतलब इसका हो गया, जब उसने फेस टू फेस हमें देखा, आंखों से आंख मिली, तो वह भागने लगा। ये बहुत जगह पे होते हैं जब एक दूसरे के आंख टकराते हैं, जो गुस्सैल हो, चाहे कभी मारपीट होने वाले हो, चाहे किसी से दुश्मनी हो, कोई किसी से दुश्मन है, अगर वो दुश्मन एक दूसरे को देख लिए तो जो कमजोर है वो भागने लगता है, जो स्ट्रांग है वो पकड़ने लगते हैं। तो ये सब कथक कहानी है जो चलते रहता है। एंड थर्ड नंबर है, ही फील इन लव विथ हर इन अ पार्टी। अब देखो, कोई पार्टी है, किसी से आंखें चार हो गई तो तुरंत मोहब्बत हो गई। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, एवरी पीपल्स नॉट अ सिंपल फॉर्म लव बर्ड्स, व्हाट्स लव बर्ड्स, प्यारे पंछियों। अब किसी पार्टी में गए, कोई लड़की है, कोई लड़का है, किसी से आंखें मिली, दो चार हुए, दो बात हुए, दो मुलाकात हुए, फिर प्यार हुआ, एहसास हुआ, इकरार हुआ, प्रपोज हुआ, फिर कहानी आगे बढ़ी,
फिर बाद में मर गए, सिंपल। दूसरा है इशारों पर नाचना। इशारों पर नाचना मतलब कोई है जो किसी के इशारे पर ही हर काम करता है, उसी को इशारे पर नाचना बोलते हैं। जैसे मैं बीबी का गुलाम, जोरू का गुलाम, माई का गुलाम, मम्मी का गुलाम, ऐसे कहानी घर भर में सुनने को मिलते हैं। ऐसा एक घर का नहीं है, हर घर का यही कहानी है। टू बी अ पुपेट इन द हैंड ऑफ, ठीक है, इशारों पर नाचना। ही इज अ पुपेट, ही इज अ पुपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ। आ गया ना यहाँ पे जोरू का गुलाम, देखो यहाँ पे अपने बीवी के इशारे पर नाचता है। आ गया, वो अपने बीवी के इशारे पर नाचता है। और इसको कहावत भी है, जोरू के गुलाम। नीचे है कचूमर निकालना। कचूमर निकालने का मतलब है जैसे मैं आटा सानू, किसी को पीट डालो, तो ऐसे कचूमर निकालना होता है। जैसे मैं हम चोखा बनाते हैं उसका भी कचूमर निकालते हैं, चटनी बनाते हैं कचूमर निकालते हैं, ठीक है, उसको मतलब पीसते हैं, निचोड़ते हैं। अब इसका इंग्लिश देखो, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। एंड कचूमर निकालना का दूसरा भी यहाँ पर है, देखो सिंपल सी है, ही बीट द सर्वेंट, ही बीट द सर्वेंट ब्लैक एंड ब्लू। कचूमर निकालने का मतलब मिलाना भी हो जाएगा। नीचे का है कान खड़े होना। क्या है? कान खड़े होना। टू बी ऑन वंस गार्ड, कान खड़े करना मतलब तुम देखो कहीं पर हो, अगर तुम वहां पर नहीं जा सकते हो तो तुम किसी को भेज सकते हो, वो सुनकर तुम्हें बताएगा कि क्या चल रहा है वहां पर, तो उसी को बोलते हैं कान खड़े करना, मतलब एक गार्ड खड़ा करना, ठीक है, एक सेवकदार खड़े करना, कान भरना, किसी के कान भरना, कोई कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको कान भर दो, मतलब गलत सलत किसी को बोल दो कि वो भड़क जाए, तो इसको कान भरना बोलते हैं। एंड नीचे है, अब इसका इंग्लिश तो तुम पढ़ ही सकते हो ना, एकदम फटाफट याद करो, बोलते रहना, कान भरना। अगर कोई लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कान भर रही है, चाहे कोई लड़की किसी लड़के के कान भर रही है, तो वहां पर बोल सकते हो टू फैशन वंस ईयर, टू फैशन वंस ईयर। एंड दूसरा है डोंट फैशन माई फादर्स ईयर, मेरे पिताजी का कान मत भरो। ओके, नीचे है एरी चोटी का पसीना एक करना। एरी चोटी का पसीना एक करना मतलब जीतोड़ मेहनत करना। क्या? जीतोड़ मेहनत करना, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर दिए गए हैं, नोट डाउन करो, याद करो। खून का घूंट पीना, जब किसी से कोई इंसल्ट करता है ना हमारा, तो उस समय हम एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं, एकदम गुस्सा मन में भर जाता है, तो उसी को बोलते हैं खून का घूंट पीना, मतलब गुस्से को काबू में कर कर रह जाना। टू पॉकेट एंड इंसल्ट, टू पॉकेट एंड इंसल्ट। एंड दूसरा है आई हैड टू पॉकेट एंड इंसल्ट इन द एसपी ऑफिसर। एसपी ऑफिसर गुस्से का अपने इंसल्ट को मतलब उनको जो बेइज्जत किए सुन कर रह गए, गुस्से का घूंट पी कर रह गए, तो खून का घूंट पीना। चूल्हे भाड़ में जाना, चूल्हे भाड़ में जाना, इसका भी क्या ग्रेट एग्जाम्पल है। चूल्हे भाड़ में कौन जाते हैं? चूल्हे भाड़ में टू गो टू द डॉग्स। एंड दूसरा है वेदर यू गो टू द डॉग्स आई डोंट केयर, तुम कहीं भी जाओ चूल्हे भाड़ में जाओ, मतलब तुम कहीं भी जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तुम भाड़ में जाओ यार। अगर देखो कोई कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, तो उसको बोलो आई डोंट केयर अबाउट सेल्फ, आई डोंट केयर वेयर आर यू गोइंग, आई हैव नो आइडिया, देन यू गो, देन यू गो, दिस इज योर डिजायर, वेयर आर यू गोइंग, आई हैव नो आइडिया, देन टू गो टू द डॉग्स, तुम भाड़ में जाओ, चूल्हे भाड़ में जाओ, ठीक है। मैं आगे का डिस्प्ले करता हूं,
चूल्हे भार तक हमने पढ़ चुका है, अब ये देखो आगे के इंटरेस्टेड और है, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मतलब अपने इज्जत गरिमा गौरव को बढ़ाना, चाहे उसको मिट्टी में मिला देना, उसको ही बोलते हैं चार चांद लगा दे। बेटा चार चांद लगा दो लखोतहार, फलानवा का बेटा चार चांद लगा दिला, इसका बेटा चार चांद लगा दिया, मतलब एक ऐसे औहदे पर चला गया जहां पर इज्जत मान सम्मान बढ़ गया चाहे घट गया। ओके नीचे है, चिल्लाते चिल्लाते गला बच जाना, चिल्लाते चिल्लाते गला बच जाना। कभी कभी लाउड स्पीकर के सामने, चाहे कभी किसी के घर में फंक्शन होता है, शादी का हो, पार्टी का हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें इतना जोर से बोलना पड़ता है गला बच जाता है, मतलब आवाज खराब हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं चिल्लाते चिल्लाते गला बच जाना। तो इसका इंग्लिश भी क्या कमाल का है, टू शॉट ऑन सेल्फ हॉर्स, टू शॉट ऑन सेल्फ हॉर्स, चिल्लाते चिल्लाते गला बच जाना। एंड उसके नीचे है चोली चोली दामन, चोली दामन का संबंध है, चोली दामन का संबंध, टू वी हैंड एंड ग्लव्स, टू वी हैंड्स एंड ग्लव्स। एंड दूसरा है द टू फ्रेंड्स आर हैंड एंड ग्लव्स, हैंड ना ग्लव्स, चोली दामन का संबंध, मतलब एक अटूट संबंध, एक अटूट संबंध। चोली मतलब कपड़ा, पहले चोला लोग पहनता था, मतलब एक बड़ा सा गाउन जैसा आता था उसको चोली, मतलब वो गाउन जैसा होता है उसको कपड़ा पहले नहीं बोलते थे ना, वो हमारे लिपि जो उस समय के पुराने लिपि पाली लिपि चलते थे उस समय, कपड़ा को हम चोला बोलते थे, और दामन मतलब हमारा शरीर। तो जिस तरह वो शरीर और कपड़े का बंधन होता है उसी को बोला जाता है चोली दामन का संबंध। जिन्हा पर होना, ठीक है, जिन्हा पर होना, जिन्हा पर होना का इंग्लिश यहां पर दिया गया है टू हैव समथिंग ऑन वंस फिगर इंड, ही हैड द गीता, ही हैड द गीता ऑन द फिंगर्स इंड, चिन्ह पर होना। अब लास्ट चिन्ह, चिन्ह क्या है मतलब समझो कि दो बॉर्डर हैं उसके बीच में एक चिन्ह खींच दिया गया है, मतलब जो बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो जो चिन्ह है कि इधर हिंदुस्तान है इधर पाकिस्तान, चिन्ह पर होना मतलब बीच पर होना, कबड्डी खेलते हो तो डिनर पर होते हो, लाइन पर होते हो तो चिन्ह पर होना, इसलिए वहां पर कोई आउट नहीं होता है। टेनिस खेलते हो तो उसके बीच में भी एक चिन्ह होता है बीच वाला, एंड बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें बीच में होते हैं, जैसे में फुटबॉल में भी है गोल कीपर, तो वह भी एक चिन्ह के अंदर होते हैं ना, कि यह इसके अंदर गया तो भाई गोल हो गया, पॉइंट बढ़ गए, तो वह चिन्ह पर है, चिन्ह पर होना, तो उसका इंग्लिश दिया गया है। एंड उसके नीचे है नियुक्ता, निकता चिन्ह करना, नियुक्ता सॉरी नुक्ता चिन्ह करना, टू पिकअप होल्स इन ऑर्डर कोट। एंड दूसरा है ही ऑलवेज पिक होल्स इन ऑर्डर कोट्स, ठीक है, सिंपल सा है, सच्चाई के रास्ते पर चलना, क्या सच्चाई के रास्ते पर चलना। और नीचे है डोरे डालना, डोरे डालना मतलब किसी पर नजर डालना, किसी पर नजर रखना, उसको बोलते हैं डोरे डालना। टू गेट वंस कप ऑफ समबडी, टू सेट वन कप्स वन कैप सॉरी टू सेट वन कैप ऑन समबडी, ही डू यू व्हाई डू यू सेट योर कैप ऑन हर, तुम उसके तरफ इशारा नजर क्यों किए हुए हो। डोरे डालना मतलब किसी पर नजर रखना, नजर डालना, किसी पर दृष्टि डालना, ऐसे डोरे डालते तो लड़का लड़की दोनों पकड़े जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी भी पकड़े जाते हैं, जवान लड़के भी पकड़े जाते हैं, बूढ़े आदमी भी पकड़े जाते हैं,
सिपाही भी पकड़े जाते हैं, न्यायाधीश भी पकड़े जाते हैं, कोई आम बात है? कोई आम बात ही है कि ये सब? क्योंकि मानसिकता बदलो, सब चीज बदल जाएंगे। स्क्रीनशॉट तो पीछे का ले ही लिए होंगे। अब यहां से देखो, अब मैं जल्दी से बता दूं, डूबकर मरना, पानी में डूबकर मरना समझ में आता है। पासा पलट देना, पासा पलट देना, देखो यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिट गया है, मैं लाइन कर देता हूँ। पासा पलट देना मतलब समझो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं लड़ रहा है इलेक्शन, तुम वहां पर खड़ा हुए और उसको हरा दिए, तो उसको बोलते हैं पासा पलटना। चाहे कोई गेमलिंग किसी को किडनैप किया गया है, या तुम जाकर उसको भगा दिए, उसको बचा लिए, तो उस व्यक्ति का तुम पासा पलट दिए, मतलब जो उसका चाल है उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब पासा पलटना। अब चेस में भी जो जीत रहे हैं, तुम अगर कोई जीत रहा है और सामने वाला उसको हरा दे, तो पासा पलट दिया, हरा दिया, मोहरे को बदल दो, किसी को हरा दो, उसी को बोलते हैं पासा पलटना। फूला ना समाना, कुछ लोगों को बहुत खुशी हो जाती है ना, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश, तो उसमें एक अलग तरह की खुशी होती है, तो उसको एक मुहावरे के अर्थ में बोला जाता है फूला ना समाना। करवटे बदलना मतलब दल बदलना, इधर से उधर, इधर से उधर करना, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, कभी इस टीचर के सामने, कभी उस टीचर के सामने, तो ये सब करवटे बदलना, अदल बदल करना, इधर का बात उधर करना ही होता है। उसके बाद है मनमानी करना। मनमानी करना मतलब जो मेरे को मन किया वही करेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे, तो उसको मनमानी बोलते हैं। मनमानी करना चाहिए, लेकिन हाँ मनमानी ये भी करना चाहिए कि वो सही हो, कभी भी वो गलत के लिए मत करना। हाथ से निकलना मतलब कोई चूजा अपने हाथ में आया है, अगर वो हमारे पास से चला जा रहा है तो हाथ से निकल गया। अगर हम किसी को मारना है, अगर वो हमारे सामने से आकर चला गया, तो हम बोलेंगे हाथ से निकल गया, मतलब सामने आकर भी निकल चला गया। शिक्षक लोग भी बोलते हैं आज हाथ से बउवा तू निकल गई ना, आज तुम हाथ से निकल गए हो। चाहे मम्मी पापा तो अक्सर बोलते हैं बाबा बेटा हाथ से निकल गए, लड़का मेरा हाथ से निकल गया, क्या बोले, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, क्या बोले यार बेटा मेरा हाथ से निकल गया है, मतलब अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उसके नीचे है बहुत बनाना, बहुत बनाना, यू मेक मच योर सेल्फ, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे बनाना, चाहे बहुत ढंग से ज्यादा तरीके से बनाना, मतलब बेहतर बना लेना, तो बहुत बनाना। मुंह से लार टपकाना, मुंह से लार टपकाना, कभी कभी खाते हो तो जो सलाइवा होती है हमारी, जो उसको लार बोलते हैं, लार वो टपकने लगता है, तो उसी को मुंह से लार टपकाना। नहीं, किसी को देख कर उसी पर मोहित हो जाओ, उसी को बोलते हैं लार टपकाना। जैसे मैं किसी लड़की को देखे, अब जा रहे उसको बात करने लगे, उसका नंबर लेने लगे, उसको परेशान करने लगे, तो लार टपकाना हो गया। चाहे कोई लड़की किसी लड़के को देख रही है, अब उसको देख कर इसका फीलिंग्स बढ़ गया, अब वो जाकर उसको परेशान कर रही है, नंबर ले रही है, तो वो लार टपकाना होता है, मुहावरे का अर्थ। एंड इंग्लिश में भी है मुंह से लार टपकाना, द माउथ वाटर, द माउथ वाटर। एंड नीचे है व्हाई डज योर माउथ वाटर टू सी द वेल्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब ये देखो, मुंह से लार टपकाना तो हो गया ना, थोड़ा सा छूट गई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नीचे का है मुंह ताकना या जोड़ना। कभी कभी कोई खाता है ना, हम उसका, मेरे को भूख लगा रहता है तो हम मुंह ताकते हैं, भाई मेरे पास तो है नहीं, अब शायद मुंह देख कर ही दे दे। मुंह ताकना मतलब किसी को देखना, चाहे जोड़ना किसी चीज को, मुंह जोड़ना, बातें करना, मुंह छिपाना। क्लास में अक्सर हम मुंह छिपाया करते हैं, जब टीचर को लगता है ना कि आज ये मास्टर आकर हमसे सुनेगा, आज पूछेगा, तो हम मुंह छिपाने लगते हैं कि हम भाई हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, दूसरे को उठा लो इसको, तो मुंह छिपाने का हाल तो आप सबने बेहतर जाना है हमसे। मुंह
लटकाना, मुंह लटकाना। कभी कोई बोल रहा है, हम मुंह लटका लिए हैं, तुम बोलो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका इंग्लिश भी दिया गया है, ही ऑलवेज पुल अ लॉन्ग फेस व्हेन इंट्रोगेटेड, मतलब पूछताछ बोलने पर वो मुंह लटका दे रहा है। मुट्ठी में होना मतलब अभी लड़का हाथ में है, मुट्ठी में होना हाथ से निकल जाना, यही दो एक समान है। मुट्ठी में होना मतलब अभी अंडर में है, काबू में है। टू बी अंडर द थम ऑफ, ही इज अंडर द थम ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के मुट्ठी में अभी हाथ में है। अब कब हाथ से निकल जाए, नौकरी छोड़ दे, किसी को पता नहीं। सिर फिर जाना मतलब दिमाग खराब हो जाना। आंखें खुलना का मतलब ये नहीं रात को सो कर उठे आंखें खुला, आंखें खुलना का मतलब होश आना, मतलब होश आने का मतलब ये अब अलर्ट हो जाना, अलर्ट मतलब सावधान हो जाना, तो उसी को बोलते हैं आंखें खुलना। हो गया स्क्रीनशॉट। ये लो आगे का है, आंखें बिछाना मतलब किसी पर पहले ही से नजर लगा कर रखना कि वो कब आएगा कब नहीं। टू वेट मतलब किसी का इंतजार करना। आंखों का पानी गिराना मतलब आंसू गिराना, रोना। या शर्माना, ठीक है। नीचे है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब किसी का अपमान करना, चाहे किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है। आई हेल्प हिम बट वॉट गेट्स मी मतलब कोई कुछ मांगने आ रहा है हमसे, हम उसको नहीं दे रहे हैं कुछ, कोई भी मांगने हमसे आ रहा है हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसको अंगूठा दिखा रहे हैं मतलब हमारे पास नहीं है। अंगूठा दिखाने का साफ मतलब मेरे पास नहीं है। चूना लगाना मतलब धोखा देना, चूना लगाना मतलब धोखा देना। जिंदगी में सब काम कर लेना बाबू, लेकिन किसी को धोखा मत देना, समझे। क्योंकि धोखा देकर तुम उस समय तो जी सकते हो, लेकिन लाइफ में तुम जी नहीं सकते हो, ये प्रकृति का नियम है। तुम आज धोखा दोगे तो तुमको कल भी धोखा मिलेगा, और वो भी अपनों से ही मिलेगा, किसी गैरों से नहीं मिलेगा। दैट फाइनल, ये बात शरीर का हर सुराग खोल कर सुन लेना। कान काटना, टू एक्सल टू सरप्राइज, टू एक्सल टू सरप्राइज, ही सरप्राइज ऑल द बॉयज एंड मोहल्ला। कान काटना मतलब कान काट के ले नहीं जाना, बोलते ना नाक कट गया यार, तुम्हारे बेटे की गलतियों के कारण हमारा नाक कट गया, तो वही इज्जत चले जाना, नाक कटना। ये देखो, घर फोड़ना मतलब किसी का घर बिगाड़ना, घर तोड़ना नहीं हो, घर फोड़ना मतलब जो परिवार है अगर उसको अलग अलग कर दिए तो उसको घर फोड़ना बोलते हैं, ठीक है। नीचे है चांदी काटना, चांदी काटना मतलब ये नहीं कि सिल्वर काट दिए, सिल्वर को काट दिए। टू माइंड मनी एंड ही इज मिंटिंग मनी हिज डे, चांदी काटना मतलब कटा हुआ यार जिंदगी, चांदी काटना मतलब खूब आमदनी होना, ठीक है। चांदी काटना मतलब खूब आमदनी होना। हाँ मैं हाँ मिलना, हाँ मैं हाँ मिलाना मतलब कोई कुछ बोलता है ना तो उसमें हाँ मतलब हाँ मैं हाँ मिलाना, यस के साथ होना। टू डिटो हाँ मैं हाँ मिलाना, तो इंग्लिश है टू डिटो, या ही ऑलवेज डिटो द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के हाँ में हाँ मिलाता है। उसके नीचे है मुंह फेरना मतलब नजरे हटा लेना। टू टर्न द फेस, मुंह मोड़ना, यार किसी से जब गुस्सा होता है ना तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, नाराज रहते हैं, तो इसका साफ हिंदी इन हिंदी हो जाएगा नाराज होना। होश उड़ाना,
टू लॉस वन विट्स चाय आई लॉस्ट माई वेस्ट दिस टाइगर बिफोर मी हो सुराना। कभी किसी अचानक से बड़े ऑब्जेक्ट चाहे खतरनाक ऑब्जेक्ट सामने आ जाते हैं ना, होश उड़ जाते हैं, हे बाबा ये क्या हुआ। तो भाई सडनली अचानक से एक अजीब चीज जो भयानक हो उसे भी देख कर होश उड़ जाते हैं हमारे। कभी कम पैसे कमाते हैं, अचानक से अमाउंट में ज़्यादा पैसा आ गया अकाउंट में, तो भी होश उड़ जाते हैं। भूत तेरी मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, यहाँ पर हमारे ये सम इम्पोर्टेंस हिंदी फ्रेज एंड देयर इंग्लिश एक्सप्रेशंस वर्ड खत्म हुए। अब आगे का चैप्टर हमारा है हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश सिनोनिम्स। ये 70 नंबर चैप्टर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कॉमेंट में मेरे को बताओ।